हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी पर। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं ओएसआई मॉडल के बारे में। नेटवर्किंग फील्ड का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा ये ओएसआई मॉडल। ओएसआई की फुल फॉर्म है हमारी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन सिंपली ये आईएसओ ने इसको डिफाइन किया था। आईएसओ ने 1978 में ये डिफाइन किया गया था ओएसआई मॉडल हमारा। ये एक रेफरेंस मॉडल है, ये आपका सिर्फ थ्योरेटिकली ही मॉडल हम लोग पढ़ते हैं, बट प्रैक्टिकली जो मॉडल हम लोग जो यूज करते हैं, जो प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं नेटवर्किंग में, वो हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल ये है। टीसीपी आईपी मॉडल को प्रैक्टिकली हम लोग यूज करते हैं कहा जाए तो। इस टीसीपी आईपी मॉडल को हम लोग आगे के अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हम लोग ओएसआई मॉडल के बारे में देखते हैं। देखिए होता है क्या है कि जैसे आपके पास कोई एक डिवाइस है, ठीक है, इसमें कोई एक फाइल है, मान लीजिए कोई फाइल ए है और आपको ये फाइल आपकी कोई डिस्क मान लीजिए डी में रखी हुई है। इस फाइल को आपको यहां से मूव करवा के, यहां से कट करके आपको अपने डिस्क ई में रखना है, तो यहाँ पर वो फाइल आनी है, ठीक है। तो क्या होता है, हम लोग यहाँ से इसको कट करते हैं और यहाँ से मूव करवा के इसको अपने ई में आते हैं, जो डिस्क ई है वहां आते हैं और वहां पर आके इसको पेस्ट कर देते हैं और ये फाइल हमारी मूव करके यहाँ से दूसरे डिस्क में जाती है। तो इसके जो जो फाइल हमने मूव करवाई, जो डेटा हमारा यहाँ से डिस्क डी से सेंड हुआ और ई में रिसीव हुआ जाके, ठीक है, तो ये क्या एक ही हमारे पास क्या है, हमारा एक ही सिस्टम था हमारा। उसी सिस्टम में हमारा एक तरीके सर्वर और क्लाइंट दोनों लोग उसी में थे, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि जो आपका क्लाइंट हो और जो सर्वर वो दोनों अलग अलग हो, मतलब ये आपका सर्वर हो जाए एक और ये आपका क्लाइंट है, ये दोनों अलग अलग पोजिशन पर है, कोई दोनों का जो कहा जाए डिवाइस है सिस्टम जो वो अलग अलग है। अभी तक हम लोग एक ही में देख रहे थे, अब अलग अलग अगर हो आपका, ठीक है ना, इसकी पोजीशन, इसकी लोकेशन अलग है, इसके लोकेशन कहीं अलग है, तो अगर इस सर्वर से कोई डेटा आना है, मान लीजिए इस सर्वर से कोई डेटा सेंड करना है इस क्लाइंट के पास में, ठीक है, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई जब डेटा सेंड किया जाता है, ठीक है, तो कुछ फंक्शनलिटी होती है, कुछ फंक्शंस होते हैं जिसको देखा जाता है कि वो फंक्शंस हमारे फॉलो होनी चाहिए, वो चीज पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। उसी के बिहाफ पे हमारा जो डेटा होता है वो सर्वर से क्लाइंट के पास पहुंचता है। और वो फंक्शंस क्या हो सकते हैं, जैसे आपका एरर कंट्रोल कि भाई आप डेटा सेंड कर रहे हो, क्लाइंट ने मांगा है डेटा, तो वो उसमें कोई एरर नहीं आनी चाहिए। अगर एरर आ रही है तो उसको डिटेक्ट कर सके हम लोग, एरर डिटेक्शन होना चाहिए, और डिटेक्ट होने के बाद उसको करेक्ट कर सके तो एरर करेक्शन भी होना चाहिए, ठीक है। तो एरर कंट्रोल होनी चाहिए आपका। सेकंड देखते हैं, अगर ऐसा ही फ्लो कंट्रोल होना चाहिए। फ्लो कंट्रोल का मतलब कि भाई जो सर्वर डेटा सेंड कर रहा है, जो फाइल सेंड कर रहा है, भाई मान लीजिए इसकी जो स्पीड है सेंड करने की, ये 5 Mbps स्पीड से, 5 Mbps स्पीड से डेटा सेंड कर रहा है, फाइल डेटा पैकेट सेंड भेज रहा है, ठीक है ना, और क्लाइंट की इतनी क्षमता नहीं, इसकी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 5 Mbps की स्पीड से डेटा को रिसीव कर सके, ठीक है ना। तो कंट्रोलिंग होनी चाहिए कि भाई दोनों में इतना वो मैनेजमेंट होना चाहिए कि जो सर्वर जो डेटा सेंड कर रहा है और रिसीवर जो रिसीव करना है वो बराबर हो सके, ठीक है ना, वो जितना सेंड कर रहा है उतना ही वो रिसीव कर सके, ठीक है। तो फ्लो कंट्रोल भी होना चाहिए। ऐसे ही आपके इसमें जब डेटा सेंड होना चाहिए तो वहां पे इंक्रिप्शन होना चाहिए, ठीक है, डिक्रिप्शन होना चाहिए। तो कुछ बहुत सारी फंक्शनलिटी है, अप्रोक्स ये 70 फंक्शन है हमारे पास। जिसको ध्यान में रख करके डेटा हमारा सेंड होता है और रिसीव किया जाता है, ठीक है।
तो ये कुछ फंक्शनलिटी को क्या हुआ कि जब देखा गया कि भाई डेटा हमारा सेंड होना है और रिसीव करवाना है क्लाइंट से सर्वर से क्लाइंट के पास, तो कुछ इन फंक्शनलिटी पे काम होना है। तो क्या किया गया कि इससे एक लेयर पर अगर बात की जाए कि अगर किसी एक बंदे को कहा जाता है ना कि एक किसी बंदे को आपने प्रोजेक्ट बनाया बनाने को दिया गया, कोई एक टास्क दिया गया और वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर किसी एक बंदे को दिया जाएगा तो क्या होगा कि उसको टाइम ज्यादा लगेगा या उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो उससे अच्छा है, उससे बेस्ट एक वे देखा जाए कि ये कि हम उस प्रोजेक्ट को अपने बांट दें, पार्ट्स कर दें उसमें और उसको हर अलग अलग बंदे को बांट दें कि हमने अगर 5 बंदे रख दिए हैं, वो उनमें एक कोडिंग कर रहा है, एक डिजाइनिंग कर रहा है, ठीक है ना, एक टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कर दिया जाए तो क्या वो सब अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म या अपने अपने वर्क को परफॉर्म करेंगे और उसके बाद वो रिजल्ट देंगे हमको, ठीक है, उसके बाद हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। वैसे ही कुछ किया गया कि भाई 70 फंक्शन को अगर कोई एक लेयर हमारी कोई वर्क कर रही है या कोई एक फंक्शन को दिया जा रहा है तो वो करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हमने क्या किया कि अलग अलग लेयर बना दी गई वहां पे। ये 7 लेयर है हमारी, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ठीक है, ये 7 लेयर है और इन 7ों लेयर का अलग अलग अपना काम है, ये सब इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, कोई भी लेयर किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। बट जो भी डेटा जब भी ट्रांसफर होगा तो हर लेयर से 1 by 1 वो ट्रांसफर होगा, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन पर आएगा, प्रेजेंटेशन से सेशन पर आएगा, ऐसे लास्ट फिजिकल लेयर तक आएगा, बट ये दोनों ये लेयर जो होंगी वो आपस में डिपेंड नहीं होंगी किसी पे भी, ठीक है, सब इंडिपेंडेंट लेयर है और सबका जो वर्क होगा वो सबका अलग अलग है, ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन ये उठता है कि भाई ये हमारे जो OSI मॉडल की जो लेयर है 7 लेयर है, इस 7 लेयर में अगर ये कहा जाए, पूछा जाए कि भाई फर्स्ट लेयर कौन सी है या आपकी लास्ट लेयर कौन सी है, 7th लेयर कौन सी होगी या फर्स्ट लेयर लेयर 1 हमारी कौन सी होगी, ठीक है, तो अगर ये कुछ अगर ये पूछा जाता है तो वो डिपेंड करता है कि हम सेंडर साइड पर हैं या रिसीवर साइड पर हैं। देखिए, अगर आप सेंडर हो, अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप डेटा सेंड कर रहे हैं तो देखिए एप्लीकेशन लेयर क्या होती है हमारी, एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होती है जो हमको प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, यूजर को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। भाई सिंपल सी बात है, आप कोई भी मेल करते हैं अगर या व्हाट्सएप पे जब भी कोई चैटिंग कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आप उस एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड करते हो, उस इंटरफेस पे, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करते हो, उस एप्लीकेशन को यूज करते हैं, ठीक है, तो मतलब अगर मेल करना है तो आप उस मेल उस जीमेल को ओपन करते हैं, उस एप्लीकेशन लेयर को इंटरेक्ट होता है आपसे, उसके बाद ही आप उससे मेल टाइप करते हैं, उसके बाद आप सेंड करते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वो जो वर्क हो रहा है, वो एप्लीकेशन जो वर्क कर रही है वो किस लेयर पे काम कर रही है, वो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रही है। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी है जिस पे आपको जिसके थ्रू आपको मैसेज सेंड करना है, वो कहाँ काम कर रही है, वो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रही है, ठीक है ना, ये यूजर से इंटैक्ट करवा रही है लेयर हमारी, ठीक है। तो ये होती है एप्लीकेशन लेयर। अगर आप सेंडर साइड पर हैं अगर, ठीक है, तो सबसे पहले आप मैसेज टाइप करेंगे, आप पहले उस भाई आपको डॉक फाइल बनानी है, कोई एक सीवी बनानी है, कोई रिज्यूम बनाना है या कोई मेल करना है, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, अगर आपको सीवी बनानी है तो आप वर्ल्ड में जाओगे सबसे पहले, तो आप एप्लीकेशन लेयर पर ही भाई वर्ल्ड में टाइप करेंगे, ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर पर काम करेंगे आप पहले। ऐसा तो नहीं है ना कि वो डेटा सेंड हो जाएगा पहले, उसके बाद आप सेंड करने के बाद पहले तो आप बनाओगे ना फाइल, तो कहाँ बनाएंगे, वो एप्लीकेशन लेयर पर काम होगा, ठीक है। तो अगर आप सेंडर हैं तो आप सबसे आपकी जो लेयर फर्स्ट होगी वो एप्लीकेशन लेयर होगी, ठीक है, उसके बाद 1 by 1 हम लोग नीचे आते रहेंगे और लास्ट लेयर आपकी 7th लेयर हो जाएगी आपकी फिजिकल लेयर, ठीक है। और अगर आप रिसीवर साइड पर हैं, आप सेंडर नहीं हो, आप रिसीवर हो अगर, तो रिसीवर साइड पे क्या होगा, सबसे पहले जब भी आपके पास डेटा जब पहुंचेगा, आप रिसीव करोगे तो आप डायरेक्ट उसको मेल पे ओपन नहीं कर लेंगे, आपके पास तुरंत नहीं आ जाएगा, उससे पहले वो आपके डिवाइस में एंटर होगा और उसके बाद 1 by 1 वो अलग अलग चेंज होता जाएगा हमारा डेटा, ठीक है ना, और उसके बाद तब हमें ओपन होता है, तो सबसे पहले जो मिलेगा हमको फिजिकल लेयर पे मिलेगा, यहाँ हमें बिट्स के फॉर्म में डेटा मिलेगा, ठीक है, सिग्नल सबसे पहले हमें सिग्नल मिलेगा, इसका मतलब वो फिजिकल लेयर पे आएगा, ठीक है। अभी इनके 1 by 1 हम लोग वर्किंग देख लेते हैं क्या क्या उनका काम होता है, तो अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो रिसीवर अगर साइड की बात करें तो फर्स्ट लेयर हमारी होगी फिजिकल लेयर और जो लास्ट लेयर होगी 7th लेयर होगी वो होगी एप्लीकेशन लेयर, अगर आप रिसीवर साइड पर, ठीक है। तो सेंडर साइड में तो पहली लेयर ये और लास्ट लेयर ये, ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की, बात करिए वैसे ही कि हमको उसका सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक,
उसके बाद क्या किया, हमने कोई मेल बनाया मान लीजिए, ठीक है ना, हमने एप्लीकेशन लिया था, काम किया और हमने मेल बनाया, इंटरेक्ट हुए हम लोग अपने एप्लीकेशन से, और उसके बाद हमने कोई मेल टाइप किया या हमने व्हाट्सएप पे ओपन किया और चैट करने के लिए मैसेज टाइप किया। अब क्या कर रहे हैं, वहां से हमारा वो डेटा आ गया प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगी, ये होती है वो लेयर जो हमारा जो मैसेज है उसको कंप्रेस करती है और उसको इनक्रिप्ट करती है। इनक्रिप्ट करने का मतलब होता है जो मैसेज आपका है जैसे, ठीक है ना, उस मैसेज को एज इट इज किसी को नहीं भेजा जाता। भाई मान लीजिए मुझे कोई मैसेज भेजना था हेलो लिख करके अपने एक फ्रेंड को, ठीक है, तो उस हेलो को अगर मैं एज इट इज सेम यही मैसेज अगर अपने फ्रेंड को मैसेज भेज दूं, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये मेरी सिक्योरिटी का लॉस होगा। भाई मान लीजिए जब मैसेज जा रहा है उस चांस पे कोई अनऑथराइज यूजर यहाँ पे कोई एंटर कर जाए और उस मैसेज को डिकोड कर दे, मतलब इस मैसेज को अगर रिसीव कर ले बीच में, ठीक है, और उस मैसेज को मेरे रीड करके इसमें कुछ एडिट करके हेलो की जगह बाय लिख दे, ठीक है, और उसके बाद आगे प्रोसीड करके भेज दे इस पाथ पे, तो मेरे फ्रेंड को क्या मिलेगा, मैंने तो हेलो भेजा ना, बट मिलेगा क्या उसको बाय, समझ रहे हैं। तो मतलब ये चीज मुझे चाहिए कि मैं वो मैसेज कर रहा हूँ वो कुछ इस तरीके से हो जाए कि वो मैसेज एज इट इज उस फॉर्म में ना रहे, मतलब कहने का है कि वो रीडेबल फॉर्म में ना हो, रीडेबल है ना, रीड कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं रीडेबल फॉर्मेट है हमारा मैसेज का, ठीक है ना, रीडेबल की जगह ये हो जाए हमारा अनरीडेबल फॉर्मेट में। नेटवर्किंग की भाषा में इसको बोलते हैं ये है प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, ठीक है, ये है हमारा प्लेन टेक्स्ट, और इसे हमें चेंज करना होगा साइफर टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे इस हेलो का हमारा जो हो जाएगा, जो हमारा हेलो लिखा है ये हमारा प्लेन टेक्स्ट लिखा है, रीडेबल फॉर्म लिखा है, और साइफर टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी कोड हो सकता है 002 लिख दिया हमने, तो हमारा हेलो क्या हो गया, इसमें हो गया। अब अगर कोई अनऑथराइज्ड यूजर मान लीजिए कोई भी जिसको मुझे मैसेज नहीं करना था, अगर वो एंटर कर जा रहा है बीच में और उसको रीड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, जैसे हैकर्स वगैरह कोई भी है, तो वो क्या करेगा, अगर इसको रीड करने की कोशिश भी, उसको मैसेज मिल भी जाता है, रिसीव भी कर ले रहा है मेरा मैसेज, अगर रीड करेगा तो क्या मिलेगा उसको, ये मिलेगा हैज 002, ठीक है ना, स्टार, तो उसको रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए मेरी क्या यहाँ पे मेरी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइफर टेक्स्ट। तो वही ये काम जो हो रहा है ये प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है सारा, ठीक है। जब भी आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करते हैं उसमें देखा भी होगा हमने एंड टू एंड इंक्रिप्शन लिखा होता है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, वो इंक्रिप्शन यही होता है, सेम मैंने यहाँ से भेजा, यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन लेयर ने काम किया, उस हेलो को हमारा साइफर टेक्स्ट में चेंज किया, उसके बाद जैसे ही ये वहां रिसीवर साइड पर पहुंचेगा तो वहां क्या होगा भाई, इसको यूजर तो उसको नहीं पड़ेगा ना, यूजर तो पड़ेगा हेलो को, तो वो क्या होगा, इस साइफर टेक्स्ट को फिर से यही प्रेजेंटेशन लेयर करेगी, चेंज करेगी और डिक्रिप्शन होगा वहां पे, डिक्रिप्ट किया जाएगा, यहाँ इंक्रिप्ट हो रहा है वहां डिक्रिप्ट होगा, डिक्रिप्ट होकर के उस मैसेज से हेलो निकाल दिया जाएगा, मतलब हेलो रीड आ जाएगा और वो कहां जाएगा, इस एप्लीकेशन लेयर पे शो कर दिया जाएगा, जो जिस एप्लीकेशन से ओपन होना है, मतलब व्हाट्सएप पे मैंने अगर मैसेज किया है वो इंक्रिप्ट कर दिया गया, उसको कोड में चेंज कर दिया गया, और जैसे ही आपने जिसको अपने फ्रेंड को मैसेज किया है तो वहां से पहुंचेगा, तो वहां क्या होगा, वहां पर कोड में रहेगा, उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर करेगी उसको डिकोड कर देगी, डिकोड करेगी, डिक्रिप्ट करेगी, ठीक है, और उसके बाद उसको जो आपका व्हाट्सएप है उसको ओपन करके मैसेज शो कर देगी हेलो, ठीक है। तो ये होता है प्रेजेंटेशन लेयर पर। देखिए हमने लिखा बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, उसको ट्रांसलेट कर रही है और इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर रही है, ठीक है ना। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये हमारे क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है, एक पूरा अलग क्रिप्टोग्राफी एक पूरा अलग सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसको कभी बाद में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं सेशन लेयर पे। सेशन लेयर क्या होती है, देखिए जब भी आप कोई भी देखते होंगे बैंक की कोई साइट ओपन करते हैं, ठीक है ना, या मेल करते हैं, तो क्या होता है जब मेल जाता है, ठीक है, जब सेंड कर रहे होते हैं, तो जैसे आपने सेंड पे क्लिक किया तो क्या होता है थोड़ा अंडर प्रोसेस होता है, ठीक है, उसके बाद लिख के आता है मैसेज सेंड सक्सेसफुली लिख के आता है, ठीक है ना। तो वो सक्सेसफुली लिख के कब आता है, जब आपका जो जैसे सेंडर ए है, इस सेंडर ए से बी तक जब पहुंचना था, अगर इस बी तक जब पहुंच जाता है वहां मैसेज, ठीक है ना, उसके नेटवर्क में उसके पास उस डिवाइस के पास जब पहुंच जाएगा तो वो सक्सेसफुली वो जान जाएगा कि भाई हाँ मैसेज जिस डिवाइस पर जाना था, जिस आईपी एड्रेस पर पहुंचना था वहां पहुंच चुका है, तो यहाँ पे लिख के आएगा कि मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये क्या होता है सेशन लेयर, लास्ट तक हमारा रिसीवर साइड तक हमारे पास रहता है, उसके साथ लगा रहता है कि हाँ भाई
उसको मैनेज करके देखता रहता है कि हाँ भाई मॉनिटरिंग होती है कि वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। इन केस अगर वहां नहीं पहुंचा तो वो क्या कहते हैं अंडर प्रोसेस दिखाता रहता है, ठीक है। और क्या होता है कि भाई जैसे अगर बैंक की कोई आप लॉग इन करते हैं बैंक में अपना, जैसे आपने नेट बैंकिंग ले रखी है तो क्या कहते हैं बैंक की कोई वेबसाइट ओपन किया और उसमें लॉग इन किया। अब ऐसा नहीं है कि आपने लॉग इन कर लिया अभी और आप चले गए घूमने के लिए, उसका लॉग इन लैपटॉप पे करके छोड़ दिया है, शाम को आ रहे हैं घूम घाम के देख रहे हैं कि आपका लॉग इन है, ऐसा नहीं होता ना। वहां क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है, ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो वहां क्यों हो जा रहा है भाई, वहां एक सिक्योरिटी दी गई है। अगर ऐसा ही हो जाए कि आप लॉग इन करके उसके बाद चले जा रहे हैं, उसके बाद शाम तक घूम के आ रहे हैं, तो क्या होगा कि भाई कोई भी अनऑथराइज यूजर आया जिसको आपको नहीं शो करना था कि आप मेरे बैंक की डिटेल ओपन देखे या फिर उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन करे, तो क्या होगा कि भाई आपकी सिक्योरिटी ही लॉस होगी, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या किया गया, सेशन लेयर काम करती है, वो क्या करती है उस चीज को टर्मिनेट कर देगी कि भाई उसमें सेशन जब बनाया गया उसमें सेशन लगा देगा कि आपको 10 मिनट तक ही आप लॉग इन रहोगे, उसके बाद क्या हो गया आप लॉग आउट हो जाओगे ऑटोमेटिक। अगर आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप लॉग आउट हो जाओगे, ठीक, क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी है भाई। उस बैंक की जो आप आपकी ऑनलाइन बैंकिंग हो रही है, आप उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो क्या है वो आपकी सिक्योरिटी है, सिक्योर होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। तो वो काम होता है हमारा सेशन लेयर पे। देखिए लिखा भी गया है टू एस्टैब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। सेशन को हम लोग टर्मिनेट भी करेंगे, उनको मैनेज करेंगे, ठीक है। और सेशन आपका वही एस्टैब्लिश होता है, स्टार्टिंग जैसे आप सेंड करते हो वहां से लेकर जब तक आपका पहुंच नहीं जाएगा तब तक हमारा सेशन लेयर काम करता है, ठीक। उसके बाद सेशन लेयर के बाद हमारा जो डेटा होगा वो आएगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, ये हमको प्रोवाइड करता है कि हमारा जो मैसेज हो वो रिलायबल मैसेज डिलीवरी, ठीक है ना, ये प्रोवाइड करेगा रिलायबल मैसेज डिलीवरी। मतलब कि जो आपका मैसेज है, जिस बंदे को मुझे देने आया होगा, मुझे मैसेज अपने बी वाले डिवाइस को भेजना है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। बेसिकली जो ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, ये हमारे इस ओएसआई मॉडल का एक तरीके से हार्ट होता है बोला जाए, ठीक है ना। जो मिडिल लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये इसका हार्ट है, ठीक। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपका डेटा सेंड होना है भाई, मेन जो वर्किंग करवाएगा डेटा सेंड करने की बात है हमारी, हमको भाई डेटा सेंड करना है, पहुंचना है अपने बी वाले फ्रेंड को, भेजना है डेटा ए को बी को डेटा सेंड करना है। तो डेटा सेंड होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन रहेगी कि भाई वह मैसेज हमारा पूरा पहुंच जाना चाहिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इस ट्रांसपोर्ट लेयर की, प्रोवाइड द रिलायबल मैसेज डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब इसमें एक चीज और भी होती है, जो आपका जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग की जो ये तीन लेयर है हमारी, देखिए स्टार्टिंग की जो तीन लेयर होती हैं, यहां पर क्या होता है, ये तीनों लेयर पे जो भी फाइल है, जो डेटा है, वो उस डेटा के फॉर्म में ही रहता है, ठीक है, डेटा के फॉर्म में ही रहेगा। जो भी वो डेटा है, फाइल है कि कहते हैं इमेज है, वीडियो जो भी है, वो डेटा के फॉर्म में ही रहेगा ऐसे। उसके बाद जब वो सेशन लेयर के से हो करके जब ट्रांसपोर्ट लेयर पर पहुंचता है हमारा डेटा, तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर में यहाँ पर सेगमेंटेशन हो जाता है, सेगमेंट बांट दिए जाते हैं, ठीक है ना, सेगमेंट्स बना दिए जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपके पास 1000 पेजेस की कोई फाइल थी, ठीक है ना, ये डेटा था आपको जो आप सेंड कर रहे थे, तो क्या करेगा, यहाँ तक तो आपका जो 1000 पेजेस वैसे ही रहेंगे, डेटा हमारा सेम वैसे ही रहेगा। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पहुंचेगा तो ये क्या करेगा, सेगमेंटेशन करेगा। सेगमेंटेशन मतलब कि उसको सेगमेंट में पार्ट देना होता है, पार्ट्स कर देना होता है उसका, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके 100-100 के पार्टीशन कर देगा, 100-100 के 10 पार्टीशन निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेगमेंट बना दिया उसने, 100-100 के 10 सेगमेंट बना दिए अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग उसने बंडल बना दिए। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर ये करती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद से वो आता है नेटवर्क लेयर पर। नेटवर्क लेयर क्या करती है, यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन, जब भी कोई, जब भी इसने सेगमेंट बांटे, सेगमेंट बांटने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पैकेट्स बना दिए जाते हैं भाई, इसको पैक कर दिया जाता है, इनका एक पैकेट बना दिया जाता है, ठीक है ना। इस पैकेट को हम बोलते हैं डेटा पैकेट्स बोलते हैं, जो यहाँ पे क्या होता है, हमारा डेटा पैकेट्स बन गया। उस डेटा पैकेट्स पे क्या होता है, सोर्स और डेस्टिनेशन, जब भी जितने भी डेटा पैकेट्स बने भाई, यहाँ पर क्या, 1000 फाइल सेगमेंट बनाए,
10 सेगमेंट बनाए 100-100 के, और उनको पैक किया गया, यहाँ सेगमेंट किया उसने अलग अलग बंडल बनाया, उसके बाद बंडल को पैक किया गया, तो यहाँ पे डेटा पैकेट्स बने, नेटवर्क लेवल पे डेटा पैकेट्स बने। अब इसके बाद डेटा पैकेट्स में क्या है, हर पैकेट पे हम लोग क्या करेंगे, सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस लिखेंगे। मतलब आपके पास अगर एक ये पैकेट है, इस पे क्या होगा, ये सोर्स का एड्रेस होगा, ठीक है ना, आईपी एड्रेस बोला जाए, और ये डेस्टिनेशन आपका जो है जहां जाना है उसका एड्रेस, ठीक है ना। सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस हर पैकेट पे डाल दिया जाएगा। तो वो काम कौन कर रहा है, नेटवर्क लेयर। यहीं पे हम लोग आईपी, जो आईपी एड्रेस वगैरह है जो हम लोग चेक करते हैं कि हम कैसे भेजने आया, वो हमारे नेटवर्क लेयर पे ही काम होता है, ठीक है ना। तो इस लिखा भी गया है रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, ठीक है, सोर्स डेस्टिनेशन तक के जो मूव करवाया जा रहा है पैकेट्स को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, नेटवर्क लेयर की है। क्यों, क्योंकि भाई ये सोर्स और डेस्टिनेशन में डेटा पैकेट्स हैं, और हर डेटा पैकेट्स पे आपको सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों का एड्रेस लिख दिया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, नेटवर्क लेयर के बाद हम लोग आ जाते हैं डेटा लिंक लेयर पे। यहाँ पर क्या होगा, जो आपका जो डेटा, जो हम लोग ने पैकेट बना लिए थे, यहाँ पर हमने पैक कर दिया था उस पैकेट को, यहाँ हमारे उस पैकेट्स के फ्रेम्स बना दिए जाते हैं अलग अलग, जो हमारा डेटा होता है यहाँ फ्रेम्स के फॉर्म में जाएगा। जो पैकेट था वो पैकेट सब फ्रेम्स बन जाएंगे अलग अलग, हमने फ्रेम्स बना दिए उस पैकेट्स के, हमने अलग अलग फ्रेम्स बना दिए। फ्रेम्स में क्या होगा, यहाँ पे हम लोग की एरर चेकिंग वगैरह की जाती है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका यूज किया जाता है एरर फ्री ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रेम्स। फ्रेम्स को हम लोग एरर फ्री कैसे भेजना है, अगर अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे दो चीज काम करती है, एक आपका जो मैक होता है, ठीक है ना, मैक फ्रेम काम करता है, और डेटा लिंक लेयर पे यहाँ पे हमारा जो मैक एड्रेस जिसको बोलते हैं हम लोग, सिस्टम का अपने एक मैक एड्रेस होता है, ठीक है ना, फिजिकल एड्रेस को बोलते हैं। तो यहाँ पे डेटा लिंक पर वही काम करता है, वहां पर हर फ्रेम से हम लोग क्या करते हैं, उस मैक एड्रेस को लिखा रहता है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग वो भेज दिया जाता है। तो जैसे हमारे जो नेटवर्क डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, राउटर्स है, और ब्रिज है, स्विच है, हब है, ठीक है। तो हब आपका फिजिकल लेयर पर हब आपका काम करता है, ब्रिज है वो आपका डेटा लिंक लेयर पर काम करता है, ठीक है ना, वो फिजिकल एड्रेस के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं डेटा सेंड करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एरर चेकिंग, भाई आपने मैसेज भेजा, आपने मैसेज जो भेजा वो मान लीजिए 1001 भेजा था, और किसी रीजन से अगर इसमें कोई भी एरर आ गई और मैसेज पहुंच रहा है यहाँ पे 1010, ठीक है, अगर ये मैसेज पहुंच रहा है, ये सोर्स था, सोर्स ने ये भेजा था, डेस्टिनेशन पे ये पहुंच रहा है, तो क्या इसमें एरर आ रही है ना, डेटा बिट्स ये थे बट ये पहुंच रहा है, तो इसकी जो चेकिंग होगी, ठीक है ना, जो बिट्स में जो चेकिंग की जा रही है कि इसमें एरर आ कहां रही है, वो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर चेक करेगी, ठीक है ना। उसका काम होता है डेटा लिंक लेयर का इस चीज को चेक करना, सीआरसी जो हमारी सीआरसी डेटा लिंक चेक करने के लिए, ठीक है ना, ये सब फंक्शन बताए गए, वो फंक्शन से यहाँ परफॉर्म किए जाएंगे इस डेटा लिंक लेयर पे। उसके बाद क्या होता है, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम्स को बना दिया, ठीक है, फ्रेम्स के बाद क्या हुआ, फिजिकल लेयर पे आ गया। फिजिकल लेयर पे क्या करेंगे, हम लोग उस फ्रेम्स को बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, जो फ्रेम्स होगा अब वो बिट्स में कन्वर्ट होकर के, जो भी हमने अपना सिस्टम को ट्रांसफर करने के लिए जो भी हमने पाथ दे रखा है, ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर बनाया है अपना, ठीक है, उसके थ्रू डेटा हमारा सेंड कर दिया जाएगा, हमारे बिट्स निकल जाएंगे, यहाँ से डेटा बिट्स निकल जाएंगे और चले जाएंगे डेस्टिनेशन के पास, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले सेंडर था हमने यहाँ कर दिया, यहाँ हमने अपना मैसेज टैग किया इस जगह पे सबमिशन लेयर पे, उसके बाद वहां पे इनक्रिप्टेड इनक्रिप्ट किया, इनक्रिप्ट कर दिया गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सेशन लगाया गया, सेशन पूरा मैसेज के साथ में चलेगा, ठीक है ना, कि कैसे कैसे कितनी देर में मैसेज आपका पहुंचना है, ठीक है ना, और वो सक्सेसफुली हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो मैनेज करेगा ये। ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी वो कर रही है कि उसको सेगमेंट में बांट दे रही है, हमारे डेटा को सेगमेंट में बांट देगी, सेगमेंटेशन हो जाएगा। नेटवर्क लेयर में यहाँ हमारे सेगमेंट को हमने पैक किया, पैकेट्स बना लिए, पैकेट्स हमने यहाँ पे उसके फ्रेम्स बना लिए, ठीक, और यहाँ पे एरर डिटेक्शन वगैरह करेंगे, जब रिसीवर साइड पहुंचेगा तब वहां पे चेकिंग की जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि फ्रेम्स के ऊपर हमारा जो एरर जो हमारा डेटा होगा वो पता चलेगा हमको, ठीक है। उसके बाद यहाँ बिट्स में कन्वर्ट करके चला गया, जब रिसीवर साइड पहुंचेगा सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, वो फिजिकल लेयर पहुंचेगा, भाई फिजिकली पाथ से कनेक्ट होगी, तो अगर ये कनेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे क्या है, हमारे जैसे जो बिट्स मिलेंगे वो हमारे इस फिजिकल लेयर पहुंचेंगे, ठीक है, वायर के थ्रू कनेक्ट था तो यहाँ पहुंचा, यहाँ मिला हमको बिट्स, उस बिट्स को हमने फिजिकल डेटा लिंक लेयर पे डाला। डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा कि जो बिट्स थे उसको चेक किया गया कि हाँ भाई कोई एरर तो नहीं है, मैसेज ये भेजा था हमको यही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है तो मतलब एरर है, तो इसमें
एरर चेकिंग की जाएगी, उसके बाद फिर उसको वो सही किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे चेक होने के बाद यहाँ आ गया, यहाँ फ्रेम्स था, उसको बाद यहाँ पे इसको पैकेट्स में कन्वर्ट किया गया। पैकेट्स से हमने क्या किया, यहाँ उसको सेगमेंट में बनाया, सेगमेंट से हमने यहाँ पर उसका सेशन देखा, हाँ भाई पहुंच गया, तो ये इसका एक्नॉलेजमेंट वहां पहुंच जाएगा सोर्स के पास। फिर वहां से क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर पर आया, हमने यहाँ पे सेंडर टाइप में सेंडर जब सेंड कर रहा था उसमें क्या है, इनक्रिप्ट किया था, ठीक है ना, कोड में चेंज किया था, उसके बाद यहाँ पर क्या है, डिक्रिप्ट कर देगा उसको, ठीक है, फिर से उसको रीड फॉर्म में कर देगा और उसके बाद उसको शो कर देगा मैसेज को इस एप्लीकेशन लेयर पे। तो ऐसे हमारा काम करता है ओएसआई मॉडल, ठीक है ना। इसको प्रैक्टिकली नहीं इंप्लीमेंट किया गया है, प्रैक्टिकली हम लोग टीसीपी आईपी मॉडल को इंप्लीमेंट कर चुके हैं, इस पर वर्क होता है, ये एक रेफरेंस मॉडल है हमारा एक तरीके से, ठीक है। सारा आप इसमें सब हो चुका है, ठीक है। अगर किसी को किसी में कोई डाउट हो गया तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। बाकी आगे इसके नेटवर्किंग डिवाइसेस होती क्या हैं और वो किस किस लेयर पे काम करती हैं वो हम लोग आगे के नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, और टीसीपी मॉडल क्या होता है इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना।